हाँ उदय यार है भैया, हम सो जा ही रहे थे पता हो, बहुत ना काम करा लगे थे अंदर और ना हुई तुम ही दिया। अरे हमें स्कूल जाने है। अरे दिया तो ना जल्दी दो यार, हम भूखे हैं, इस कुगा से आए हैं अभी हमें। हाँ हम ही दिया, चले जाओ स्कूल, बड़े पढ़ भी बारे बन में। अरे पढ़ में तो है। चलो हाथ गोड़ी धो झूलो आओ तो जो बहू तो खाले भी कली बाका के बता दें जो तो पहले होता का दादा डूब गए हाथ पांव। हाँ बेटा जाओ तो कल लो कलीबा इतना ज्यादा अच्छा है। ओ काय बेटा चप्पल नहीं पे आई अपना यहां आई। अरे वो मिल नहीं रही थी, जल्दी जल्दी में हम भूल गए। कैसा तो घामो करो देखो तो बेटा आए भविया बेटा वहां तुम को बनाई आए लो दद्दा कर लो चलेगा सो रहा बेटा। लो पाए बेटा सूखियां ले आई सब्जी तो कहीं नहीं बनाई कछु। वो दद्दा हमने सब्जी से नहीं बनाई के टमाटर नहीं हते तो अच्छी नहीं लगती सब्जी, टमाटर के बिना कौन अच्छी है लगा तो अथा के शाम के बनाए दे रहे हम अच्छी आलू टमाटर की सब्जी है। चलो ठीक है तो बेटा ये खा ले बताया सो कहा बेटा चलो मैं रोटी खा दियो पानी तो खा लिया। हाओ अब बूढ़ो आदमी गई मैं यार गया गई हाओ टेन नो लगा तो फिर दादा राम राम। अरे राम राम बेटा राम राम। हमने सुनी थी अशोक की नौकरी लग गई। अरे कछु पता नहीं है बेटा, गए तो आते हुए गाँव तो हाथ पतो नहीं चलो। अबे नहीं चलो कछु पतो नहीं। ओए पतो लगाओ ना तो कहाँ है भैया अबे। अब का पतो लगाओ ना तो पैसा तो जुटे ही हम लगा के लाने वो तो काम है अपना करने आज भाई लगे कछु कछु नहीं होता पड़ा तो है रुपया भी लगा था। अच्छा और आज की सुनाई हती के यार हो हाउ सो हमने कही तो ठीक है यार आज फोन का हाउस आओ तो फोन लगाओ तो कौन आऊ लो तो हमने कही चलो ठीक है सो भगा तो आओ दद्दा दद्दा तो भाई साहब आओ हमें चलो बड़ी खुशी है तो तना भी भुजवा से डाई थे तो तना भी भुजवा डाला तरह ले दद्दा तो मैं जात हूँ तो वहाँ तो कैपा ढोबन लगे मुँह तो खेत कटे हैं लगो अबे। ठीक है बेटा तो जाओ आओ तो बेटा तुम जाओ। हाँ दद्दा तो तना तुलाएगा कि अशोक की है सुनाई कहू भाई आऊ ने चलो मैं कछु भुजवा मुझे बटाए थे आओ उतना तय काई मैं काई बना लीजिए कछु। हाँ दद्दा हमें तो लगा तू बस वो गया था मैं तो लग गई नौकरी हमें लगा तू की। ओ बहू बेटा बहू ओ बहू तू आ गया अशोक देखियो तो लग गई होगी नौकरी। हाँ तो तब भी यहाँ लग ही गई नौकरी। चला बेटा लग गई क्या बेटा। हाँ दादा भैया देखो बैग में टांग क्या लगाई गई नौकरी। अरे चलो अच्छी बात है बेटा चलो राम राम। अरे राम राम बेटा अच्छे से बे। हाँ राम राम बेटा खुश रहो चलो 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 बेटा बेटा चलो।
बुखार जड़ों का? अरे पैप आ रहा है। अच्छा कटाई कटाई हो गई? हाँ कटाई मटाई तो हो गई बेटा सो। हाँ पता नहीं कैप पड़ रही थी। अच्छा मैं भूख सी लगी आई थी, सुबह बहुत रोटी मोटी थी आई थी। हाँ और सुना यहाँ दी का उलाया का आऊँ क्या होगा सो, तो चलो बेटा आ गो। और नौकरी कैसी का लग गई? अब दद्दा नौकरी तो देखियो लग गई। हाँ अब बाकी इतना कसा है वो तो हम हर चीज में पास हो गए। हाँ। और डॉक्टरी भी लगी। चलो तो फिर सो है बेटा सु। हाँ। जब डॉक्टर की नौकरी लग गई तो सबको भलो हुई है। और कहना हुई है तो अब कसा है काई किया रह गई। अब कसा रद्दा आज को जमानो वही है। कितने का जान है? अब कुल 5 लाख रुपया मंगाऊ। 5 लाख से कसी कम ना होंगे? हाँ तो कहते 5 लाख रुपया लगने तो अपनो पास बन जाए डॉक्टर पक्के हो गए अपन। अब देखिए अब गुजवाड़ है किसी किसी का मिसिया नहीं करी। अगर वही कर जाते तो कछु बैठ जाए तो, और नहीं है तो फिर ऐसा कर ले। हाँ। दो पटियां हैं तो एक पटिया बेच दे। अब चाहे पटिया बेचो कछु ना कछु तो करनी है। सुन तो पहले अब यह तो नौकरी लगी है। हाँ। अपनी पटिया बेच दे भी। हाँ। तो कमा लगने। हाँ। तो बाद में तो फिर अपने उठाइए। हाँ फिर तो लेब कम से कम पहली मतलब जैसी नौकरी लगने है तुम्हें 30,000 को महीने तो शुरुआत से है। चलो तो सही हो जाएगा। और जो कछु कम पाए तो नहीं यहाँ से बहू की कछु चीजें बसते नहीं। हाँ तो चाहे कछु चीजें बसते भेज दा तुम्हें लगे से 5-1 लाख रुपया जो है। तो दादा हम चीजें बसते भेज दे फिर हम कहाँ पे रहें? ऐसा है बेटा चीजें बसते कौन तो है बुआ करने ओवर नो की तो अगर लग जाए तो जिंदगी हाँ लग गई चीजें बसते हैं कहा तो रुट हो जाते हैं ने। और वो भी 2 महीना है तो बेतान खाते हैं नहीं चीजें बसते एक तो हमारा बना दे तू है कि तुम्हें निगत ना बने और बेच दे और महीने को कमाओ तो मैंने 1 रुपया लगाऊ के लाने पढ़ाई में है चीज में और 5 लाख के लाने कहा मैं माँ बो हूँ और मुँह तो वह अब बेचे दे उनकी नौकरी लगी जात अब 30,000 रुपया बताओ सुनू मैं तो 2 महीने की तू कोई तनख्वाह में वेतन में आ जाने 2 महीना की वेतन में तो जीवन लिप जाने फेंके। हाँ तो ठीक है दादा बेच दीजिए तुम आइए। ठीक है तो मैं दादा पैसा का इंतजाम करो और ने काले ही बुलाओ काले ही जाने फैसे तो मैं जाता हूँ गाँव में बेटा सु। हाँ तो जिमीदार है एक जने वे ये कह दे तो जमीन वमीन को धंधा। हाँ तो कहते सोनी लो जाने यहाँ। हाँ हाँ तो देखो जे बात देखो उलो धाय भी गाने। हाँ और जगह भी बस बन जाए तो गाने धाय भी तो कही देखो हमारा टीका भी था या अभी होने। हाँ ठीक है तो लो तो तुम ले लो। हाँ वो जीवाई वाले ले लो। ठीक है और जैसे बने तो 5 लाख की व्यवस्था काय के लिया कल निकालने हैं सब ऐसे तो बेटा ऐसा करो कहना कभी तो बंदी बंदी देख दो कहाँ कैसी नहीं और तो ना बे चीजें बस तो देख दो तो चल बेटा कहते देखो ते पढ़ो लिखो मुझे तो नजर कम है अंदर ही रखें चलो 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 बेटा कहाँ भीता। हाँ चलो 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 वह जगह चली जाने चलीजिए तो चलीजिए कछु नहीं है साफ कक्का लो वहाँ लैक आएगा होगा 5 लाख रुपया चाहे साफ कक्का है घाय के नहीं है देखो कक्का है साफ कक्का है। सुनो हाँ। कि पहले लग गई तुम्हारी नौकरी? नौकरी लगी ग्वालियर में। ग्वालियर में? हाँ। सो हमें भी चलने तुम्हारे संगे। अब तुम्हें उतर कहाँ करने? सो हमें इतने कहाँ करने? सो तुम दालो रज्जू ना इतने फिर दहा के लाए तो कोई रोटी उठी है। अब देखो तुम बन गए डॉक्टर। हाँ। और डॉक्टर बन गए सोने तो अपन होटल से अब आने। अच्छा तो मतलब अब नौकरी लगी नहीं है तो हम बेस अपनी देख लेंगे बोले होटल से खाना आज लग तो गई तुमने कहीं नहीं है कि लग गई। अब लग जान दो 4 महीना हम तो काम कहें दो अब से अब हम भाग जाओ तुम भागी होता दहाई थे अकेलो का अच्छो लगे तुम बन तो गए अब डॉक्टर हम क्या तो रहे तो बन तो गए तो कछु तो कछु दिन रहो दद्दा के संग थे हमने बहुत रह लो हमें नहीं रहने आवे थे लो अब तो कम से कम 2 महीना इतने रुक जाओ दद्दा हाँ रोटी की परेशानी बेटे हम तो ऐसा होते जाके होटल पे खा ले भी टाइम उठे हम फोन लगा उतरे दद्दा भी होटल पे खा ले और दद्दा को फोन लगा तो रज अब तुम्हें तो अभी पाएगी कि अभी जाने हमें जाने हैं तो अपन फोन से बात कर ले भी कहें हाँ हमें जाने हैं लो तुम्हें तुम कौन मान सकती हमें लगा हाँ अब दद्दा से पूछ लेगा दद्दा पहुँचा दे तो फिर कल संगे चलियो वो कहा दद्दा कह के यहाँ नहीं पहुँचाओ नहीं यहाँ तो फिर तई जाने दद्दा की भी तो बात माने नहीं आए अपना हाँ देख ले दद्दा तो हाउ कह दे है? तुम बैठो मैं तो दद्दा हाँ देखा पैसे की व्यवस्था भाई के नहीं भाई हाँ देख ठीक है हाँ
एक तो व्यवस्था बन गई, तो विवाह है दद्दा को बांध के मिल गए पैसा। तो चलो खेत चलोगा चीजें बस तो बहू की ढाई रही चलो कछु नहीं है चूल्हा का कि नौकरी लग जाओ सब उठी है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना कर हमारे लड़का की नौकरी लग जाए। चलो बन गई व्यवस्था। ओ बेटा बहू, ओ बेटा बहू। हाँ दद्दा। लो बेटा ये धाय दो। कितने के दद्दा? 5 लाख है। हैं अब खेत धाय दो, ये पूरी चीजें बस न चली गई। अब कालू के जाना 10 सुटाए धाय दे जो कहा है भाई हमारे यहाँ की पाई। हाँ हम अच्छे से धाय दे रहे हैं। उसे भी कैसे हुआ निकलने हैं भंसा है। हाँ चलो ठीक है धाय जाओ बेटा। हाँ दद्दा। अब भाई सब कब जा रहे? अब टिकट है 9 बजे की है ट्रेन की। हाओ हाँ। शाम के हाँ। बंद कर ले यहाँ है। अब ऐसे जा रहा है तो वहीं जाने ग्वाली है। अच्छा हो तो है ही अस्पताल ग्वाली तो हमें लो भग चलो। अब तो मैं अब कहा तेना को पढ़ लू अभी ठीक है तेना को पढ़ लू फिर हम तो जा ही रहे तो धीरे धीरे हम तुम्हें भी अरे कम जुगाड़ हो तो तुम्हें काका ने हम सब लगा ले अभी हम चिपके जा तो हम तुम्हें भी चिपका ले। हम तो चिपकाइए। हाँ अब तो चबक्का तो गई है चले तो फिर चलो जाने चलो तो पहुंचे हैं। अब टेम हो ही कैसे नहीं जाता हम चले जी। आओ अरे भगवान आइयो लो बैग दो लो और टेम हो आओ तुझे पैसा है अच्छे से भर लो। पैसे में लगाए हैं? हाँ कितने थे? फुल 5 लाख। 5 लाख है? हाँ दद्दा दूंगा और दद्दा तो परी खटिया पे हमने अपने भी कपड़ा धर ले में। आओ तुम को मान सकती हो तुम ना जाओ हम के दद्दा के संगे तो लाने यार को हुआ क्या तो दद्दा से होटल से बनवा दी उनके लाने रोटी। तो होटल से तो बचे कम से कम 1-2 महीने हमें कह दो फिर तुम चली जाओ। हां हम तो चल रहे हैं। तुमने वो कपड़ा फेरी से धर ले अब दद्दा हां कपड़ा तो जान देते नहीं जान देते दद्दा जान दे जान दे। हां चलो मैं पूछूं दद्दा से। चलो दद्दा का सोचे बता के तुम अभी से भाग गए। चलो वाह दद्दा सो गए का दद्दा ओ दद्दा का है उसी माछी सी मात जात हो मैं अब अभी मैं सपना देखा तो बेटा कैसो का मुँह असु तो ग्वालिया के अस्पताल में भाई बहुत डाक जाया है सपने में। हाँ तेरा जोन मुँह पहुँच जा रूम में सबे डॉक्टर लोग सब आ जाके और सबसे बड़ा डॉक्टर है आगे मैं जो सपना देखा। चलो तुम्हारा सपना भगवान पूरा ही कहे जात हो तुम्हें अब वो कहे बेटा मुझे बहू कहे था जा हो गई। अब मैंने कही थी कि तेहते ही बनी रहा सुबह कात मुँह तो चल ले हैं। क्या बेटा तू यहाँ ठीक है मिला तो जमू नहीं है। कब कहाँ जमू जा आ रहा है अब तो महीना बैठे रात ही वो कहा तू वो ठीक है मिला जम जा तू हेते हैं आऊ तो लगा ले जा तू अजय हम नहीं। हाँ दद्दा होता तो जमाई जा ठीक अब जो हुई है तू तेरा ऐसा लेने आए तो किराए से कछुनिया होते सहक आई है बेल डेंगे जो सहक आई सहक आई मकान मिलत रहे अभी हम तो कलेवा में लेवा कर लो। आओ कलेवा पर दादा ने खुरमी मुरमी नमकीन ममकीन सब बांध दो। चलो तो मेरा समय के तो कहा बस को 9 बजे जाने शाम के अथाए के 9 बजे। हाँ ठीक है। हाँ। और तुम चिंता ना कहियो ठीक है मैं होते होटल पे कह दे तो तुम्हारा 2 टाइम आजे टिपन लग के ठीक है। अब मैंने कही थी कि बनी जा सुबह कौन माना था है वकार के मुंह तो जाने हैं। चलो कछु नहीं बेटा आजकल को समय है तो बेटा उठा बाबा पे जहां तने रोटी की कह दई। हाँ कह दई तो देमु बस गिनो ने बस ही है नहीं है। हां हां तना के काम हो कई के तना को होटल पे पहुंच जाए का वालो लगो हो नहीं है सो 550 रुपए के नहीं है सो मैं दे दूं पे मुझ पेंशन मेरे को है। अरे मैं कह दऊं डाक पूछे ढाबा बाय से सूत में 2 टाइम लगा के टिपन दे जाए कहे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है बेटा चलो तो फिर चलो बेटा तो छोड़ी आई है तुम्हें दद्दा अच्छे से जो है और टाइम से खाना खा ली। हाँ बेटा चलो चलो दद्दा अब तुम्हें तेज रोको अब मैं जात हो है अपनी खबर कह रही हो फोन जैसे कोई समस्या बिजली आ रहा मेरा तो फोन लगा दे जो है। चलो कछु नहीं है चलेगा तो चले जान दो। चलो बताओ तो हतु लायक आसो तो दद्दा रोटियां की टेंशन ना करिए मैं ढाबा बांधा तो कहीं आ जाओ कहे तू शाम के उसे भी है। चलो जान दो कहे उस समय है आजकल को या तो ये के तो हन हिर तू ये को तो हन हिर तू चलो जान दो चलो कछु नहीं है।
तो भाई बस पेट पे आ उतना भी लिया कहाँ फोन तो लगाऊ जितना खा मैं हेलो अशोक जहा कई तुम वही तबीयत खराब हो गई उतना का ना हो तो आजा। अच्छा पेट में यहाँ दर्द है चलो कछुनिया अब दद्दा देखियो हम आया ऐसे होने का है कि हमें यहाँ करने कछु डॉक्टर अपने आप सीवा हो डॉक्टर हम फोन लगा दे थम हाउ हाउ डॉक्टर आवे तुम लोग आओ तो तुम्हें देखें दे जो कछु दवा दारू होने हो सब वो कहें दे और हमारे ऐसे कहा होने होते काम तो करने डॉक्टर ही यहाँ हमारा काम कहाँ है तो लॉस हुए हाओ हम डॉक्टर यहाँ पहुँचा दी सुबह तुम्हारी दवाई कह दे अच्छे से इंजेक्शन लगवाने यहाँ से इंजेक्शन लगवा लग जो अब देखियो ग्वाल यहाँ से हम होते भगने यहाँ तुम्हारे लोग हाओ डॉक्टर को काम आओ अब हमें कहा करने चलो ठीक है हम डॉक्टर यहाँ पहुँचोगे भाई हैं चिंता चिंता तुमने कहा चिंता हाओ हाओ डॉक्टर हम अभी हल पहुँचाओ देखो ठीक है तो ठीक है बेटा तो डॉक्टर यहाँ पहुँचा दे नहीं हमने तू तो नया ठीक है बेटा देखो तो जमाना रुपया लगाओ हर चीज करो लाए काफ़ी नौकरी लगवा दी और मैं मर रहा पेट के माए मैंने फ़ोन लगाओ सो काश के डॉक्टर है फ़ोन लगा दे मु डॉक्टर की जरूरत है कि लहका बाबू की जरूरत है चलो कछु नहीं है अब नहीं जा तो डॉक्टर या जावे तो राम राम अरे राम राम डॉक्टर साहब अशोक ने फोन लगाओ तो हम अल्लाह हाँ हम आगे देख ले चलो अच्छी आगे डॉक्टर साहब बैठो इतना मुँह पे डरात रात से तो मैंने उतना अशोक खा लगाओ तो कहाँ पे डॉक्टर साहब जना पे डरा जो कहा डॉक्टर साहब था तो चेक करने दद्दा लकवा की शिकायत है लगत लकवा की हाओ तो ही की दवाई तो हुई है डॉक्टर साहब कछु हाओ इंजेक्शन है और दवाई है कहा देखो हमारा लाका तो है वहाँ बाहर पाए देश में डॉक्टर ही कहा जी है दद्दा लो जो शाम सुबह गोली खाने ठीक है फिर आबू हम देख सुधा कैसा ये काय में या खाने पानी में खाना खा के खाना खा के हाँ पानी में हाँ एक टाइम है खाना है क्या तीनों टाइम दो टाइम शाम से भी है हाँ ठीक है डॉक्टर साहब तो हम जाए ठीक है डॉक्टर साहब चले जा हाँ कै दिना किए हैं ये दवाई पाँच दिना की ठीक है डॉक्टर साहब तो पैके आ जाइए पाँच दिना बाद हाँ सर हाँ ठीक है डॉक्टर साहब लहका बहू हाँ फोन लगाओ तू तो लहका हाँ आ जाओ रे ना देख लेती भी हमें हम तो ना बहू हाँ देख लेती लहका हाँ देख लेती बिल्कुल दिन ही नहीं आ गए तो यहाँ चलो हमें तो लगा चलेगा यार जी फोन लगाने यार अशोक हाँ हेलो जा कह अशोक भैया वो दद्दा की तुम्हारी तबीयत खराब है ज्यादा वो अचानक करो पहिए डॉक्टर ने वो मंगाया का
दवाइयां ना खत्म हो गए हैं। चलो तो फिर हम आउ थे। अरे अरे पैसा की कोनू बात नहीं है, वो मैं आउट हूँ भैया, ऐसी बात कहने लगा तुम देखो तो। अरे ऐसो कछुनिया पैसा की कोनू बात नहीं है, वो मैं आवाई जाऊ गाड़ी से। हाओ हाओ अरे यहाँ तुमने कहा यू कछुनी संस्कार वो हम ही कह भी जाते। ठीक है मैं अभी आउट। हाओ हाओ मैं अभी निकाल गाड़ी में आऊ। कह भैया तुम्हें पाल पोस के इकला ना बड़ो करो उन्ने कि तुम मैं टाइम तक ना जाओ। अरे भैया तब ढाबा से पहुँचाओ इधर खाना डॉक्टर पहुँचाओ इधर है। अब ऐसा करो कि तुम तनक पैसा पहुँचा दो उन्हें तो हमने नकन्या खरीद क्यों बाया अभी यही किला ना जाता मैं बाल बच्चे यहाँ आदमी पालस पोसा थे। हाओ भैया हरो राम राम। कैसी लगी वीडियो आप खा कमेंट में लिख के बताने। और वीडियो बनावे को हम आप केवल इतने उद्देश्य हतो तो कि जैसे आजकल होता का है अधिकतम के बच्चन हाँ बाप मताई ने पढ़ा लिखा के नौकर चाकर बना दो, लास्ट में भी अपनी बाप मताई की कीमत खा मतलब कि एक रुपया पैसा से तोलत तो बाप मताई खा मतलब रुपया पैसा की कोनो भूख नहीं है उन्हें जोरात के चलो हम अगर बूढ़े हो गए तो हमारे बाल बच्चे हमारी बहू हमारे पास में रहे। अब ऐसो नहीं कि चलो हम पैसा पहुँचा दे रहे खाना पहुँचा दे रहे ऐसो नहीं, उनकी भी इच्छा रात के बुढ़ापे के हमारे बाल बच्चे हमारे अंगर रहें हमारी सेवा करें। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग बड़े बड़े अफसर बन जाओ तो बाप मताई हम भूल जाओ। बाप मताई हम कहूँ नहीं भूलने हैं, उन्हें कैसी भी समस्या है या तो घरे रहो या अपने संगे लुभा के जाओ। अब बताओ बुढ़ापे की बेरा है, अब उन्हें पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दो, ग्वालियर में बड़े डॉक्टर हो गए, उनकी जा स्थिति भाई के बताओ डॉक्टर आओ खूब आओ, लेकिन अंतिम टाइम भी अपने उन्हें बाल बच्चा रखा नहीं देख पाओगा। तो बुढ़ापे में अपने माता पिता हाँ अपने साथ में रखो और चाहे संगे पैरिस में लुभाए रहो चाहे अपने गांव में आ जाओ, ऐसो ना छोड़े उन्हें रुपया के पीछे ऐसो करें कि हम डॉक्टर पहुंचा दें पैसा पहुंचा दें खाना पहुंचा दें। बाप मताई हम लास्ट में जो इच्छा रात के हमारे बच्चे हमारे पास में रहें हमारी सेवा करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में लिख के बताओ उन्हें और शेयर करने और सब्सक्राइब जरूर कर लेने। जय बुंदेलखंड जय भारत।